अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण टेक। और साथ में मैं हूँ रुबीउल हसन। आज की वीडियो में बैंक मास्टर मोबाइल बैंकिंग न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करने का बारे में बता दूंगा। दोस्तों, मेरा वीडियो की कॉर्नर में आई बटन में क्लिक करिए, नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। यहाँ बैंक मास्टर ATM CDM और मोबाइल बैंकिंग की बारे में बहुत सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में एक लाइक कीजिए और कमेंट करिए और आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपकी एक शेयर की वजह से बहुत सारे आदमी इस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी मोबाइल में बैंक मास्टर मोबाइल बैंकिंग न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से बैंक मास्टर ऐप इंस्टॉल करना चाहिए। तो बैंक मास्टर ऐप इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिए। ऐप ओपन करने के बाद थोड़ा भी कुछ फॉर्मेशन मांग सकते हैं। जितने सारे फॉर्मेशन मांगेगा आपने इतने सारे फॉर्मेशन में अलाउ कर देना है। सारे ऑप्शन में अलाउ करने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा, यहाँ है वेलकम टू बैंक मास्टर। तो इसी ऑप्शन में नेक्स्ट में क्लिक करना चाहिए। बाद में इजीली एक्सेसिबल, इसी ऑप्शन में फिर नेक्स्ट में क्लिक करना चाहिए। इसके बाद स्कोर एंड फास्ट, इसी ऑप्शन में लेट्स गेट स्टार्ट में क्लिक कर दीजिए। तो बाद में आपकी आगे ऐसा एक पेज आ जाएगा, यहाँ तीन ऑप्शन है, लॉग इन, न्यू यूज़र, न्यू फोन। तो आपने अगर पहली दफ़ा मोबाइल में बैंक मास्टर सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहता है तो आपको सेंटर वाला न्यू यूज़र में क्लिक करना चाहिए। तो न्यू यूज़र में क्लिक करने के बाद न्यू टू बैंक मास्टर, इसी ऑप्शन में नेक्स्ट में क्लिक करना चाहिए। इसके बाद क्विक एंड ईजी, इसी ऑप्शन में नीचे रजिस्टर में क्लिक करना चाहिए। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद आप लोगों की आगे ऐसा एक पेज आ जाएगा। तो यहाँ मैं ऊपर फ़ोन नंबर की एक ऑप्शन दिख रहा है। आपने बैंक मास्टर अकाउंट में जो फ़ोन नंबर इस्तेमाल कर रहा है उस नंबर को इसमें डालना चाहिए। नंबर डालने के बाद नीचे है व्हाट इज़ योर डेबिट कार्ड नंबर। दोस्तों देखिए, आपकी बैंक कार्ड के ऊपर 16 डिजिट वाला जो नंबर है इसको डेबिट कार्ड नंबर बोलते हैं। तो आपने इसमें डेबिट कार्ड नंबर डालना चाहिए। डेबिट कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे है व्हाट इज़ योर डेबिट ATM कार्ड पिन, यानी आपने बैंक मास्टर ATM बूथ से पैसा निकालने का टाइम 4 डिजिट वाला जो पिन डालते हैं इसमें अभी उसी पिन कोड डालना मांगते हैं। पिन कोड डालने के बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए। इसके बाद थोड़ा टाइम प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा, अभी बैंक मास्टर से एक मैसेज भेजेगा, ऑलरेडी मेरा मोबाइल में मैसेज आ गया। तो मैसेज में एक कोड नंबर है। तो अगर आपकी सिम कार्ड दूसरा मोबाइल में है तो दूसरा मोबाइल से मैसेज चेक करके इसमें कोड नंबर डालना पड़ेगा। तो मेरा सिम कार्ड इसी मोबाइल में है इसीलिए ऑलरेडी कोड नंबर एंट्री हो गया, इसीलिए मैं कन्फर्म में क्लिक करता हूँ। प्रोसेसिंग होने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा, यहाँ है रजिस्टर न्यू यूज़र। तो अभी यहाँ से यूज़र ID और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। आपने जितना दफ़ा बैंक मास्टर सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा इतना दफ़ा यूज़र ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। मैं जिसको लिए बैंक मास्टर मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करता हूँ उसके नाम बिलाल खान, तो मैं उसके नाम से यूज़र ID बनाएंगी। तो बिलाल खान में 9 अक्षर आता है, तो 9 अक्षर के साथ कोई भी एक नंबर डालना चाहिए, यानी यूज़र ID में 10 से नीचे सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए मैं स्मॉल लेटर से लिखता हूँ। तो यूज़र ID में हम बिलाल खान लिख दिया, बिलाल खान में 9 अक्षर होते हैं इसीलिए लास्ट में 5 डाल दिया, तो सब मिला के 10 हुआ। आप लोगों को हिसाब से यूज़र ID बना सकते हैं। इसके बाद नीचे है क्रिएट योर न्यू पासवर्ड, पासवर्ड में भी सेम ही है, इधर स्मॉल लेटर और नंबर मिला के 10 डालना पड़ेगा। तो मैं 5 स्मॉल लेटर और 5 नंबर डालते हूँ। तो पासवर्ड में हम 5 स्मॉल लेटर और 5 नंबर डाल दिया। आप लोगों को हिसाब से पासवर्ड डाल सकते हैं। तो नीचे है कॉन्फर्म योर न्यू पासवर्ड, तो अभी ऊपर जो पासवर्ड डाला सेम टू सेम इसी पासवर्ड को नीचे कॉन्फर्म करके डालना चाहिए। तो मैं मेरा इस पासवर्ड को डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद नीचे है आई एक्सपेक्ट द टर्म एंड कंडीशन, इसी ऑप्शन में राइट मार्क करना चाहिए। इसके बाद सबमिट में क्लिक करना चाहिए। बाद में थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा। लोडिंग लाने के बाद आप लोग देखते हैं सक्सेस बता रहा है, यानी यहाँ से अभी बैंक मास्टर मोबाइल बैंकिंग कंप्लीट हो गया। तो इसलिए डन में क्लिक करना चाहिए। ऐसा ऑप्शन आ जाएगा तो आप यहाँ से सीधा निकल जाना है, तो मैं निकल गया। बाद में फिर बैंक मास्टर सॉफ्टवेयर को ओपन किया, तो थोड़ा भी टाइम लोडिंग लगेगा।
लोडिंग लेने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा। अभी देखते हैं, यहाँ तीन ऑप्शन है। इस तीन ऑप्शन का नीचे है यूज़र आईडी और पासवर्ड। दोस्तों, मैं इतना टाइम से जो यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया, अभी इसमें उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ। तो मैं यूज़र आईडी डाल दिया, बाद में नीचे पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद नीचे लॉगिन ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए। इसके बाद थोड़ा टाइम प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद टर्म एंड कंडीशन ऐसा एक पेज आ जाएगा। तो आप लोगों ने टर्म एंड कंडीशन ऑप्शन से नीचे जाइए, बिल्कुल नीचे जाने के बाद एग्री में क्लिक कर दीजिए। इसके बाद लोडिंग लगेगा। लोडिंग लेने के बाद ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी यहाँ से कैंसिल में क्लिक करना चाहिए। कैंसिल में क्लिक करने के बाद आपकी आगे आपकी नाम, आपकी अकाउंट नंबर और आपकी अकाउंट बैलेंस शो हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता लग गया कैसे मोबाइल में बैंक मास्कार्ड की अकाउंट यूज़र रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करते हैं। अगर इस वीडियो से आप लोगों ने थोड़ा भी कुछ सीखे तो एक लाइक कर दिए जी, और कमेंट करिए, और आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर करिए। खुदा हाफिज़।